भद्रासन, ऐसे। अब दूसरे पांव से वही करेंगे। हाँ हाँ जटिया, हाँ हाँ जटिया, हाँ हाँ। गोली गोली उठो, क्या कर रहे हो? सर्वांगासन सर्वांगासन, ऐसे पाँव ऊपर करना है। कम ऑन, ऊपर उठाओ पाँव। हाँ उठाओ पाँव, ऊपर उठाओ। अरे बाप रे, अरे सोफिया ने तो कसरत करा करा के बैंड बजा दी मेरी। ऊपर से पेट अंदर करो, पेट अंदर करो। अरे मेरा पेट पेट है, रूमाल नहीं है, जो घड़ी करके अंदर कर दू। अरे टप्पू के पापा, अब घर में क्यों आ गए? अरे भाई सोफिया जी ने 5 मिनट के रिसेस दिए ना। हाँ। तू ऊपर क्यों आ गई? वो मैंने आपको छुप छुप के ऊपर आते हुए देखा, तो मैं भी आपके पीछे पीछे छुप छुप के ऊपर आ गई। अरे जल्दी कीजिए, 5 मिनट की रिसेस खत्म होने वाली है, जल्दी। अरे भाई कसरत कर करके यहाँ मैं खत्म हो गया हूँ। एक काम कर भाई, मेरे हिस्से की बाकी की कसरत तू ही जाके कर, जा नीचे जा। अरे टप्पू के पापा चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? फिटनेस जिम की न्यू जगह कसरत तो खत्म हो गई है, बस 10 टका ही बाकी है, चलिए ना। अरे भाई तेरा टका की टक टक बंद कर, चुपचाप नीचे जा जा। और भाई तू तू वापस नीचे नहीं आ रहा? नहीं नहीं आ रहा हूँ ना, वो तो मैं बाथरूम जाने के लिए आया था बाबू जी। जाके है? हाँ हाँ तो जा जा जल्दी नीचे जा, जा जा। तो आ रहे है ना? बहुत हंसी आ रही है तुझे। ओके नाउ विल डू योर सूर्य नमस्कार, कम ऑन जॉइन द लेग्स। आसन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पहले दिन तो बड़े जोश में आते हैं, लेकिन अगले दिन बदन के दर्द का बहाना बनाकर नहीं आते, जिससे मेरी रेपुटेशन खराब होती है। इसीलिए कल अगर आप में से कोई एक भी कसरत करने नहीं आया, तो मैं पूरी सोसाइटी से 50,000 रुपए का दंड वसूल करूंगी। कैश के चेक। नहीं मतलब चौखट कर लेना अच्छा है ना बापू जी। चल चला वे चौखट वाली। नहीं नहीं सोफिया बेटा बराबर बराबर। अरे पर चाचा जी 50,000 रुपए तो बहुत, 50,000 क्या कमाते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? आज आप सब जान गए होंगे कि फिटनेस के मामले में मैं बहुत सीरियस हूँ, इसीलिए कल आप में से कोई भी डांडी नहीं मारेगा, वरना मैं 50,000 रुपए का दंड मारूंगी। नहीं 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 सोफिया जी, देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी की ओर से आपको वचन देता हूँ कि कल सब लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाएंगे। आएंगे ना भाई? गुड, वेरी गुड। बहुत गलत मिसाल कायम कर रहे पूरे देश के सामने कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब सब पालती मार के बैठ जाइए। हम आंखें बंद करेंगे और गहरी सांसें लेंगे, महसूस करेंगे कि आपके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। चंचल मन एक साथ कई विचारों का समूह लेकर आएगा, पर आप अपना ध्यान सांसों की अंदर बाहर की प्रक्रिया पर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि
कि आपकी दोनों आंखों के बीचों बीच एक दीपक जल रहा है, जिस दीपक की ज्योति से आपको ऊर्जा मिल रही है। वो ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, शांति दे रही है। उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। ऐसा नहीं करना है, आपको करना है। सॉरी। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मन एकदम प्रफुल्लित और रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे शरीर में एक स्फूर्ति आ गई है। आई फील लाइक फ्रेश सोडा। वेरी गुड। अब हम अगला आसन कपालभाति करेंगे। इसमें सांस को पेट के अंदर लेकर फिर तुरंत बाहर निकालना है। याद रहे, पेट जितना अंदर जा सके उतना अंदर लेना है। ऐसे हाथी भाई, ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं, करिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर। वेरी गुड। अब हम शवासन करेंगे। सभी अपने पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथ पैरों को रिलैक्स कीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। गहरी सांसें लीजिए और कुदरत के सौंदर्य की कल्पना कीजिए। अपनी मन की आंखों से उस कल्पना के चित्र को देखते रहिए, शांति से। आइए, ये कहाँ गई? ए, ए मेहता, ए, ए पापा, उठो सब, उठो। ए येड़ी, उठ। ए हाथीड़ा, उठ थोड़ी। अरे उठो सब लोग, उठो। अरे सब लोग उठो। सोफिया कहाँ चली गई? सोफिया भी। बाबूजी यहाँ क्यों सो गए आप? चुप है, तू सो गया था। उठ, सो जाता है बाबूजा कहीं का। उठ, कहाँ गई लेकिन? देखो सो गया नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। सोफिया बेग, सोफिया बेग। कहाँ चली गई है सोफिया जी? चले गए तो चले गए, जाने देना भाई, अच्छा है। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शवासन करवा के सोफिया बेंग छुप कर देख रहे हैं। अरे तो चलो चलो, सो जाओ, फिर से शवासन में सो जाओ। ये शवासनिया, खड़ा है चुपचाप।
अरे एक मिनट रुकी रुकी, सोफिया छुप कर कहीं से नहीं देख रही है, वो चली गई है। सोफिया जी चली गई? हाँ, आज का हमारा फिटनेस कैंप खत्म हो गया है। अच्छा हो गया, क्योंकि शवासन योगा के हमेशा आखिर में ही होता है। वो कल सुबह शाम 7 बजे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। और हमें भी कल 7 बजे पहुँच जाना है, वरना 50,000 रुपए सोसाइटी फंड से चले जाएंगे। अरे भाई, तो जलसा पार्टी के टाइम पे सुंदर ने फंड दिया है ना, वो तो है ना सोसाइटी के पास। मतलब कल तू नहीं आएगा? नहीं नहीं, मैं तो आने ही वाला हूँ बापू जी, लेकिन मान लो कोई नहीं आ पाया, अय्यर भाई या कोई नहीं आया तो। क्यों, मैं क्यों नहीं आएगा? मैं तो आएगा। जेठालाल तुम अपना बात करो। हाँ जेठालाल भाई, आ जाना कल। हाँ के ना? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। बिड़े भाई, सबने बोल दिया ना आ जाएंगे, फिर क्या। और अभी जब जाएंगे तब तो आएंगे ना, अभी जाने दो भाई, बहुत थक गए भाई। सही बात है। चलो चलो चलो। सुनो सुनो सुनो, अभी कोई घर नहीं जाएगा। क्यों, अभी क्या बाकी है अंजलि भाभी? मेरी सरप्राइज बाकी है ना। अब्दुल भाई प्लीज मेरे साथ चलिए ना, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। हाँ अभी आया। एक मिनट आई। हाँ क्या सरप्राइज, बताती ही नहीं है। नता साहब अभी इस वक्त क्या सरप्राइज देनी है अंजलि भाभी को? क्या पता भाई जेठालाल, मेरी तो हर सुबह अंजलि के एक नए सरप्राइज के साथ होती है। जो भी सरप्राइज सामने आता है भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेता हूँ। रेडी फॉर सरप्राइज? अरे अरे अरे, टेबल सरप्राइज क्या है? अंजलि क्या है इसमें? तारक, यही है आप लोगों के लिए मेरी सरप्राइज, संतरिष्ट जूस। जूस जिसे आप लोगों की थकान दूर हो जाएगी और आप सबके बदन में स्फूर्ति आ जाएगी। संतरिष्ट जूस बनता कैसे है? अरे रोशन भाभी मैं बताती हूँ, संतरिष्ट मतलब संतरे का जूस। ऑरेंज जूस? नहीं दया भाभी, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही आंवला, अदरक, नीम, पुदीना, तुलसी, एलोवेरा और नींबू, ऐसी चीजों को मिक्स करके मैंने ये जूस आप सबके लिए बनाया है, संतरिष्ट जूस, जो आप सबकी सेहत के लिए बहुत असरकारक है। समझ गई, पंचारिष्ट का भाई संतरिष्ट। अंजलि भाभी लाइए लाइए, मुझे जल्दी दे दीजिए, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। चलो चलो। अब्दुल कहाँ जा रहा है? जेठा को दे, तू ले भाई। हाँ कहाँ जा रहा है भाई? आते भाई एक मिनट, मेहता साहब इसका टेस्ट कैसा है? पता नहीं। आपको पता नहीं? आप तो रोज पीते होंगे ना मेहता साहब। यार भाई, मुझ पे तो हर रोज एक नए काढ़े या नए जूस का प्रयोग होता है, तो मेरी तो स्वादेंद्री ही समाप्त हो गई है। स्वादेंद्री? अरे भाई टेस्ट ही चला गया है मुंह से, ऐसी ऐसी चीजें खाता पीता हूँ। बड़े करेले की कचौड़ी, मशरूम का गुलाब जामुन, आंवले का हलवा। क्या फेंका फेंक कर रहे हैं मेहता साहब, ऐसा थोड़ी कोई बनाता है। अरे क्या बताऊं जेठालाल, एक दिन आओ तुम्हें लंच पे आमंत्रित करता हूँ, खिलाता हूँ ये सब कुछ। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। मतलब कुल मिला के आज हम सबके टेस्ट का टेस्ट होने वाला है। बस ये टेस्टी हो तो अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छा है। थैंक यू चाचा जी। अच्छा है बापू जी? हाँ अरे अच्छा है क्या, बहुत अच्छा है। अरे बापू जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पियो पियो पियो, भिड़े पियो, मेहता साहब पियो। हाँ पियो पियो, आप लोग पियो। Nice
हेल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा ना. ओ बढ़िया जी, बढ़िया. मेहता साहब ये तो कमाल की चीज है. ये जगह भी सर कहाँ गए? सर, सर कहाँ गए? फ्रेंड, सर चले गए. उठो उठो, गोली, गोली, गोली उठ. अरे गोली उठ उठ. सर चले गए, चलो हम लोग भी चलते. चलो चलो, चल 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 चल. हमारी भी एक्सरसाइज खत्म हो गई. हाँ. वाव जूस. बच्चों तुम लोग भी पियो. अच्छा है. अंजलि भाभी, मुझे दो ग्लास और चाहिए. अरे वाह. ऑफ कोर्स आदि भाई, प्लीज श्योर लीजिए. इधर एक ग्लास पीने के वांदे, उधर आदि भाई दो दो पी रहे. मेहता साहब की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी. घर में रोज ऐसे कातिल जूस के साथ लड़ाई लड़ते हैं. अरे घायल की गति घायल जाने भिड़े. क्या सब कसा जमतो तुम्हारा? रोज के रोज इतना अलग करेला क्या आंवला क्या पूछो मत. मतलब ये आई कैन अंडरस्टैंड, पर ये रोज का रोज अच्छा नहीं है. आप सब बताइए तो सही कि संतरिष्ट जूस आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है. अरे एकदम बहुत अच्छा. अब पूरा पीता सही भाई, फिर बोल. मेरा तो हो गया ना जेट. मैंने पी लिया था. चल खत्म कर, बिल्ली मस्त खत्म कर. हाँ 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 हाँ. जेठिया अच्छा लगा ना जेठा भाई? जबरदस्त मजा आ गया. बस तो फिर कल एक्सरसाइज के बाद फिर एक नई सरप्राइज के लिए सब तैयार रहना. चलो चलो कल की बात कर. चलो अभी चलते हैं. चलो चलो ले भाई गिलास ले. अब्दुल ले लो. सुबह 7 बजे सब लोग आ जाना. आ जाएंगे. यहाँ पे यहाँ पे रख दो, फिर कल सबको लेने में आसान पड़ेगा ना. टप्पू चलना क्रिकेट खेलते. हाँ चल चल क्रिकेट खेलते. चल 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 पापा भाई, पापा भाई. क्या कर रहा है टप्पू? टप्पू रुक रुक बेटा, पहले नहा लो, उसके बाद नाश्ता कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए जाना. देखा? अच्छा और नाश्ते का याद दिला दे आंटी. चल मैं नाश्ता करके आऊँ, बाद में खेलते ना. चल भाई भाई. चल अरे संभाल के टप्पू. अरे टप्पू क्या कर रहा है तू? ऊपर नीचे ऊपर नीचे. पीछे रहता तो कोई तकलीफ थी उसमें? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, मैं छड़ी लेकर आता हूँ. अरे नहीं नहीं रुक भाई, तू कहाँ वापस नीचे जा रहा है? जेठिया जी. बापूजी. क्या जी बापूजी? क्या छड़ी ला. ये छड़ी को भी अभी गिरना था. मम्मी मुझे फटाफट नाश्ता दे दो. हाँ हाँ देखा, तू फटाफट ना ले, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ. दादाजी मैं पहले नाना जाऊँ प्लीज. बाबूजी मैं पहले आपके लिए चाय बना देती हूँ. अरे नहीं नहीं बहू, पहले मैं नहाऊंगा. और वैसे भी अभी जूस पिया है ना, तो चाय थोड़ी देर बाद पीऊंगा. ठीक है बाबूजी. अरे चल ला भाई. कितनी देर? हाँ लाए बाबूजी लाए. ए भाई क्या क्या? अरे छड़ी के सहारे क्यों चल रहा है? वो मैं चेकिंग कर रहा था, ये मजबूत है ना छड़ी? वो उससे तो मजबूत ही है. चल ला छड़ी ला. जी लीजिए बापूजी. अरे बापूजी अरे क्या कर रहे हैं? छड़ी को छोड़ ना भाई. ये हाँ हाँ. चल चल ऊपर चल. ग्राउंड फ्लोर पे एक घर ले लिया होता तो अच्छा था. अरे माँ, पहले दिन हालत पतली हो गई.
पहले दिन की कसरत ने पूरे गोकुल धाम को निचोड़ के रख दिया भाई। हम सब लोगों की बैंड बज गई है। मेरे परम मित्र जेठालाल की तो चाल ही बदल गई है। आप लोगों ने कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि हम बड़े जोश में जिम में एडमिशन लेते हैं और पहले दिन बड़े उत्साह के साथ जबरदस्त कसरत करते हैं और दूसरे दिन जैसे ही बदन दर्द करने लगता है हम वहां न जाने के बहाने ढूंढ लगते हैं। और यही आलम इस वक्त गोकुल धाम में। एक तरफ सबका शरीर थकावट के मारे चीख रहा है, दूसरी ओर सोफिया के 50,000 रुपए दंड की तलवार सर पे लटक रही है। अब देखना यह है कि दूसरे दिन गोकुल धाम निवासी कसरत करने कैंप में जाते हैं या 50,000 रुपए दंड भरते हैं। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप आते हैं सोमवार को 8:30 बजे देखने के लिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखना मत भूलिएगा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।